आज आपको रूबरू करवाते हैं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता सुभाष कड़वासरा से। कड़वासरा का अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय चेहरा है और इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। इनसे बात की हमारे संवाददाता रमेश गोदारा ने, आइए देखते हैं। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है, 7 दिसंबर को राजस्थान में मतदान है। इसी दरमियान हम हमेशा दर्शकों को अलग अलग उम्मीदवारों से रूबरू करवाते हैं। आज शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तीसरे मोर्चे से हनुमान जी मैनीवाल की पार्टी से चुनाव की प्रबल दावेदार टिकट के दावेदार बने जाने वाले क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले युवाओं के भी हर समय साथ रहने वाले, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले भाई साहब सुभाष जी हमारे साथ है। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप शेरगढ़ से चुनाव की तैयारी कर रहे हो, क्या मकसद है आपका राजनीति में आने का? राजनीतिक में आने का मकसद यही है कि हम बीजेपी से और कांग्रेस से पीछे 70 सालों से हम परेशान हैं। मोदी जी ने कलर का नोट चेंज किया है, वो ब्लैक मनी हमने अभी तक नहीं देखी, वो कहां चुकी है। नोटों का कलर हमने जरूर चेंज हुए देखा है। हमारा शेरगढ़ एक ऐसा पिछड़ा हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान का बाहर, अभी आप सुना होगा बाबू राठौर बहुत मान एमएलए है, उन्होंने हमें पाकिस्तान करार दे दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम वोट देने वाले पाकिस्तानी कैसे होंगे, कांग्रेस को वोट देने वाले पाकिस्तानी कैसे होंगे, ये बताए उनको, हम जवाब चाहते हैं। वो भी खाली जाट शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दो बड़ी घटनाएं हो गई थी पिछले दिनों, काफी दिनों, वो क्या थी? उसमें आपने युवाओं के लिए, समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसको मुद्दा बना के लड़ रही हो, क्या चुनाव में? नहीं, हमें जो घटना हुई उसकी निंदा हम करते हैं, उसको लेके हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें जो जातिवाद का जहर घोला है और हमें बार बार चैलेंज किया जाता है कि शेरगढ़ के अंदर जाट को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्यों 40,000 वोट है मेरे जाट भाई क्यों इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते 70 साल, ये दो घड़ी क्यों, या बाबू सिंह या उमेश सिंह, दो घड़ी आज तक इलेक्शन लड़ते आए हैं, बाकी मैंने किसी को कैंडिडेट खड़ा होकर नहीं देखा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम तीसरे मोर्चे से शेरगढ़ के अंदर ऐलान किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे और टक्कर जोरदार टक्कर देंगे, बाबू सिंह को हराने का उद्देश्य है, हम बिल्कुल हराएंगे। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? रोटी कपड़ा मकान सड़क चिकित्सा, ये नेता सब वादे करते रहते हैं और देखिए पूरी हुई नहीं। रोटी कपड़ा ये तो भगवान ने जीवन दान दिया है तो वो तो सबके पास है। हम ये कभी हम जो वादा करेंगे वो सच्चा करेंगे, चाहे हमारी सरकार आए चाहे नहीं आए। मेरे दो तीन बड़े मुद्दे हैं कि हर 20 घर के ऊपर एक ट्यूबवेल का कनेक्शन होगा और एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल होगा और एक हमारी बहन बेटी जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकती है उनके साथ अत्याचार होता है, एक बड़ी कॉलेज मेरी बहुत अच्छी है, गर्ल्स और हॉस्टल अलग अलग एक कॉलेज बनाना चाहता हूँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, चाहे मैं एमएलए बनूं चाहे नहीं बनूं, चाहे मेरी वो चाहे जन्म मेरी पूरी कमाई लग जाए उसका दम नहीं है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं दिल से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना समर्थन देकर मुझे विजय बनाए और जो एक एमएलए के अगर बन जाता हूँ तो एक एमएलए की जो सैलरी होती है, मैंने मुझे मेरी मम्मी ने जन्म दिया उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, गरीबों का अंदर डोनेशन कर दो, 1 रुपया घर लेके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों सौ कार्यकर्ता आपके साथ है, आप जयपुर की ओर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो और मुख्य मुद्दा क्या है, कार्यकर्ता आपके साथ चल रहे हैं, वहाँ क्या उद्देश्य है आपका? इनका जोश है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, नहीं हमसे इनको कोई लालच है, इन्होंने एक जंग छेड़ दी है कि अब कुछ करके दिखाना है किसानों के लिए, जो किसान दर दर की ठोकरें खाते हैं, एक सील लगाने के लिए हजारों दिन लग जाते हैं लेकिन वो सील किसान के लिए नहीं लगती, वो पेपर पड़े पड़े सड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं हर एक गांव के अंदर एक कार्यालय हो, जो एमएलए बनता है उसका कार्यालय हो और उनकी समस्या दूर करे, जरूरी नहीं है कि एमएलए के पास जयपुर जाके भी समस्या दूर हो सकती है। किसानों के लिए मुख्य क्या कहना चाहते हैं, बाकी ये तो सुविधाएं वादे सब कर दे, स्पेशल आप किसान नेता के रूप में युवाओं के साथ रहने वाले युवा और किसान के लिए क्या करना चाहते हो? किसानों के लिए देखिए, हम हमारी जो सरकार आ जाती है तो हम वादा करते हैं कि जो हमसे जो सरकार से होती है, जैसे लाइट मुक्त है तो लाइट मुक्त करेंगे, ये हमारा वादा है। और जो कर्ज है, जिनके ऊपर जो कर्ज से डूबा हुआ है उनका भी कर्जा माफ करेंगे। युवाओं के लिए तो देखो, जो मैं वादा करता हूँ, जो मेरे शेरगढ़ के अंदर है चाहे राजस्थान के अंदर सरकार आती है तो जितनी जो 15 लाख तो हम नहीं कह सकते, जितनी वैकेंसी होगी उतनी वैकेंसी निकले युवा रोज कर देंगे। राजस्थान की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, आप उस कार्यकाल से कितना खुश हैं? हम कितने खुश नहीं, खुश होते तो ये होता रैलियां बढ़ने के में जरूर नहीं सुना सरकार ऐसे खुश काम है जिसे आप सोच रही है। 1% भी खुश नहीं है ना, हमारे जोधपुर से तो उनको चिड़ बैठी हुई है, महारानी कभी आती नहीं है, इनको पूछो अब तुम ये रैलियां कर रहे हो या शिव यात्रा निकाल रहे हो, लोगों के पैसे खर्च कर रहे हो, इनको पूछो कि
चार चार उठा के किसी पीड़ित को पूछा कि तुम्हारे पेट में क्या दर्द है या तुम भूखे सो रहे हो या नंगे सो रहे हो क्या सो रहे हो, कभी पूछा? पूछो महारानी को कि जोधपुर के अंदर क्या दुश्मनी है। ये थे सुभाष जी जो शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और आज जयपुर के लिए जा रहे हैं।